लगी माछ की दाल जो बच्चों के बहुत ही फेवरेट है। इधर मैंने 2 से 3 अदर प्याज ले लिए। अब मैं 1 कप जितना इसमें डालूंगी ऑयल, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल जो है ना वो अच्छा लगता है। 1 पाव दाल थी, अभी डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी। प्याज इस तरीके का हो चुका है तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिए 1 चम्मच। इसको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद डाल देते हैं ये टमाटर भी। 1 अदर बड़ा वाला टमाटर है वो भी डाल दिया। और मसाले, सुरख मिर्च, नमक, अजवैन, गरम मसाला, सूखा धनिया पिसा हुआ और हल्दी पाउडर, ये भी जाएगा। इसको भून लेते हैं तकरीबन 10 मिनट तक, फिर इसमें दाल डाल देते हैं। तो ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना, तकरीबन आधा किलो के करीब जो थी ना वो दाल थी, तो तकरीबन एक गिलास इतना मैंने पानी डाल दिया और 10 मिनट तक जो है ना वो प्रेशर लगा दिया। तो अब ये देखें मैंने खोल लिया, क्योंकि ये ज़्यादा गल जाए तो ये इसका जायका जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, फिर ख़राब हो जाती है। ये चावलों की तरह बस खड़ी खड़ी बने ना तो ज़्यादा मज़े की बनती है। अब इसका पानी जो है ना थोड़ा सा वो मैं खुशक कर लेती हूँ। तो फिर इसमें जो है ना बारीक बारीक कतनियों की तरह आपने अदरक भी कटा डालना है और हरी मिर्चें और जो है ना हरा धनिया वो हम डाल देंगे ऊपर से। तो मज़ेदार किस्म की हमारी माछ की दाल की भुजिया जो है ना वो तैयार है। आप तंदूरी रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है और इस तरीके से बनाएं भी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा भी, और लाइक शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।